अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों, औरत की ये एक चीज पूरी कभी भी नहीं उतारनी चाहिए। कोई भी पुरुष ये गलती ना करे वरना झेलना पड़ता है भयंकर परिणाम, आप हो सकते हैं बर्बाद। और इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं को स्नान के समय कौन सी वो गलती है जो कभी भी नहीं करनी चाहिए, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, महिलाओं की खासकर एक ये चीज कोई भी पुरुष गलती से भी कभी मत उतारना, नहीं तो इसका भयंकर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है और आपको बर्बाद भी कर सकता है। दोस्तों, महिलाओं की ये चीज उतारने से बहुत ही शर्म की बात मानी जाती है। हिंदुस्तान मात्र एक ऐसा देश है जहाँ पर महिलाओं को देवियों का रूप माना जाता है और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा माना जाता है। महिला किसी भी घर की खुशियों को लाने के लिए सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। महिला ही किसी भी घर को नर्क या स्वर्ग में बदल सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि महिलाओं की ये चीज कभी भी किसी पुरुष को नहीं उतारनी चाहिए। अगर आपने भी उतार दी तो आपका बुरा समय तभी से शुरू हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में, और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी शास्त्रों में बताई गई कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो घर की महिलाओं को कभी भी नहीं करनी चाहिए, वरना इससे आपके अच्छे समय को बुरे समय में बदलते देर नहीं लगती। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर एक, जिस घर की महिलाएं ज्यादा देर तक सोती है उस घर में देवी लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती है ऐसे घर में नकारात्मकता कभी भी प्रवेश नहीं करती। साथ ही ऐसे घर में सदैव देवी देवताओं का वास होता है। अगर महिलाएं ज्यादा देर तक सोती है तो ये शुभ नहीं माना जाता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। ज्यादा देर तक सोने से व्यक्ति आलसी बनने लगता है। नंबर दो, दोस्तों, महिलाओं को अपने केश यानी के बाल कभी भी गंदे नहीं रखने चाहिए। इसे सदैव साफ रखना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री साफ स्वच्छ रहती है उसके अंदर सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है। माना जाता है कि खूबसूरत और साफ बाल घर की संपन्नता को दर्शाते हैं, और वही महिलाओं को अपने पैर हमेशा साफ रखने चाहिए। खूबसूरत बाल और सुंदर पैर घर की आर्थिक स्थिति को सुधारते हैं। गंदे बाल और गंदे पैर घर में दरिद्रता का वास लाते हैं, इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। इसीलिए कभी भी महिलाओं को गंदे पैर और गंदे बाल नहीं रखने चाहिए, नहीं तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्त्री सदैव धन से, पति से और सुख से वंचित रहती है, और साथ ही ऐसी स्त्री से देवी सदैव दूर भागती है। नंबर तीन, दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में स्नान को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए, जिसमें सबसे जरूरी नियम है स्नान का सही समय। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना हमारे शास्त्रों में सही नहीं माना जाता। इस समय वातावरण में दिव्य शक्ति बहुत ही कम हो जाती है, इसीलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की कमी दिखाई देती है, जिससे वो दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती भी रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। इसीलिए 8 बजे के बाद कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। जो भी महिला 8 बजे के बाद स्नान करती है उसके जीवन में सदैव दुर्भाग्य बना रहता है और घर से सुख समृद्धि चली जाती है। अगर किसी कारणवश कोई महिला 8 बजे के पहले स्नान ना कर पाए तो ऐसे में उसे 12 बजे से पहले स्नान जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार 12 बजे के बाद किया गया स्नान दानव स्नान की श्रेणी में आता है। ऐसे स्नान का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होता है, बल्कि आप ऐसे में पाप के भागीदार बनते हैं। इसीलिए 12 बजे के बाद दोपहर के समय कभी भी स्नान ना करें। इसी के साथ दोस्तों, महिलाओं को नहाते समय अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक जरूर डालना चाहिए। इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव ऐसी महिलाओं पर बरसता है, और ऐसी महिला पूरे घर के लिए भाग्यशाली साबित होती है। साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। नंबर चार, सुबह खाना बनाते समय आप एक रोटी जरूर अलग से निकाल दें, जो कि आपको गाय को खिलानी है। आप हर रोज काम पर निकलने से पहले एक रोटी गाय को जरूर खिलाइए, इससे आपके घर में बरकत होगी और अन्न और धन की कभी भी कमी नहीं होगी। नंबर पाँच, आपको हर रोज अपने घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए और वहाँ पर धूप दीप अगरबत्ती जलानी चाहिए, जिसके धुएं से वातावरण शुद्ध होगा और नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी। नंबर छह, कहा जाता है कि सुबह के समय दिव्य शक्तियों का संचार सबसे अधिक होता है। इस समय ईश्वर हमारे घर को प्रस्थान करते हैं, और जब आप सुबह को छोड़कर दोपहर में साफ सफाई करेंगे तो आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। हमेशा झाड़ू पोछा सुबह के समय करना सर्वोत्तम माना गया है। इससे देवी लक्ष्मी घर में अस्थायी रूप से अपना वास बनाती है और घर को धन धान्य से भर देती है।
दोपहर में आप जितनी साफ सफाई करोगे घर में उतना ही नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। नंबर 7, दोपहर के समय किसी वीरान इलाके में नहीं जाना चाहिए। खासकर महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में घूम रही होती है। कब्रिस्तान, शमशान घाट या वीरान जगहों पर दोपहर के समय कभी भी नहीं जाना चाहिए। इससे आप नकारात्मकता का शिकार हो सकते हैं। नंबर 8, दोस्तों स्त्री को समस्त संसार में देवी का दर्जा प्राप्त है। पुराणों में कहा जाता है कि देवी दुर्गा अर्थात माता पार्वती समस्त स्त्रियों की नाभि में वास करती है। नाभि को शक्ति का स्वरूप भी माना गया है। पुराणों में कहा जाता है कि स्त्री की नाभि में माता पार्वती की सभी शक्तियों का वास होता है। ऐसे में नाभि को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। अक्सर महिलाएं नाभि को इतना गंदा रखती है कि बुरी स्मेल भी आने लगती है और उसके अंदर गंदगी व मैल आ जाता है, जिसके कारण माता पार्वती क्रोधित हो जाती है और स्त्री को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उस पर उल्टा दोष बढ़ जाते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो स्त्री अपनी नाभि को गंदा रखती है तो उसकी शादी में बाधाएं आने लगती है, ग्रह कलेश बढ़ जाते हैं, नारी का जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि नाभि में माता पार्वती का वास होता है और जब आप इसे गंदा रखोगे तो आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा। चलिए अब जानते हैं कि महिलाओं की कौन सी वो चीज है जो पुरुषों को कभी भी नहीं उतारनी चाहिए, नहीं तो इसका भयंकर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है और आपको बर्बाद भी कर सकता है। दोस्तों शास्त्रों में लिखा है, जहाँ नारी का अपमान होता है उस जगह भगवान भी अपना स्थान ग्रहण नहीं करते। किसी भी व्यक्ति को बार बार किसी के सामने महिला को झुकाना नहीं चाहिए, इससे देवी का अपमान होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप महिला को नीचा दिखाकर शक्तिशाली बन जाएंगे तो ये आपकी भूल है। भगवान श्री कृष्ण ने महिलाओं को सम्मान देते हुए कहा है कि जिस जगह नारियों का सम्मान नहीं होता वहाँ देवता निवास नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको नारियों का सम्मान करना होगा, और जो व्यक्ति अपने जीवन में नारियों को इज्जत देता है वो सफल बनता है। और ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति नारियों की इज्जत उतारता है वो कभी भी सफल नहीं होता, जीवन में हमेशा असफल ही रहता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी नारियों की इज्जत नहीं उतारनी चाहिए। तो दोस्तों श्री कृष्ण के अनुसार अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, सब कुछ पाना चाहते हैं, हर खुशी पाना चाहते हैं, तो कभी भी किसी स्त्री की इज्जत कभी भी मत उतारना, हमेशा उसे इज्जत देना। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय महाकाल।